प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आप सब श्रोताओं को लखनऊ रेडियो की होस्ट और आपकी दोस्त डॉक्टर हेमलता का सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज के सुरसंगम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे कार्यक्रम से जो नए नए श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, उनके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वृत्ति से एक वैद्य, रोग लक्षण शास्त्र विभाग में परिणित, मगर प्रवृत्ति से एक गायिका हूँ और लखनऊ रेडियो की बदौलत एक एंकर बन चुकी हूँ। मेरी पैदाइश और परवरिश दक्षिण भारत में हुई, पर मेरी निजी आसक्ति के कारण मैं हिंदी और उर्दू भाषाओं से आकर्षित होती गई और इसी लगन को बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक हिंदी रेडियो चैनल के एंकर बनकर खड़ी हूँ। मेरे इस लगन को पहचान कर मुझे सुरसंगम कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण करने का मौका प्रदान करने के लिए मैं लखनऊ रेडियो की सदा आभारी हूँ। पिछले महीने के सुरसंगम कार्यक्रम में मैंने किशोरदा को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके दर्द भरे गाने सुनाकर आप में से बहुतों का मन भारी कर दिया था और आपसे विदा लेते हुए आपसे एक वादा भी किया था। अब वादा किया ही है तो निभाना भी पड़ेगा ना दोस्तों। माना कि आप सबने एक महीना मेरे सुरसंगम कार्यक्रम के इंतजार में बेचैनी से काटा हुआ है और शायद मुझसे मेरे कुछ श्रोता खफा भी हैं, क्योंकि उनकी जो एक मांग थी कि सुरसंगम हर हफ्ता या कम से कम 15 दिनों में एक बार प्रसारित होना चाहिए, उसे मैं पूरा कर नहीं पाई। आपका खफा होना जाहिर है दोस्तों, और मुझे आपको मनाकर ही कार्यक्रम शुरू करना होगा। ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई दूर से आई, फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। चलिए अब आपको बता दूं कि पिछले महीने किए हुए वादे को आज मैं पूरा कैसे करने वाली हूँ। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों के शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे, ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। हाँ दोस्तों, आज की महफिल सजकर झूम उठेगी किशोरदा के कुछ प्यार मोहब्बत और खुशी से भरे मजेदार, शानदार, जानदार और जोरदार नगमों की झनकार से। मेरे सुरसंगम कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है एक मस्तानी शाम, किशोरदा के खुशनुमा नगमों के नाम। लेकिन उससे पहले आपको भी मेरे साथ एक वादा करना होगा। वादा करो नहीं छोड़ो के तुम मेरा साथ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लखनऊ रेडियो के सुरसंगम कार्यक्रम से आज और हमेशा के लिए जुड़े रहने का वादा आपने कर ही लिया है, तो अब कार्यक्रम शुरू करने का मेरा उत्साह दुगुना हो गया है। सबसे पहले मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहूंगी मेरे संगीत के सफर में लगातार मेरा साथ निभाते हुए अब तक 200 से ज्यादा युगल गीतों में मेरा साथ निभाए हुए एक गायक कलाकार, जो एक सफल वैद्य होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायक भी हैं। ये हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर संजय सलूजा जी। बहुत खुशी की बात है कि इनके साथ सुंदर युगल गीतों का डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कार्यक्रम में अक्सर इनके गीत पहले वाले कुछ पायदानों में ही प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इसके पीछे एक वजह भी है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त रात के करीबन 11-12 बज रहे होंगे। अब डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को मेरे प्रोग्राम में इनके गाने सुनकर ही सोने की आदत है, और फिर डॉक्टर साहब तो अपने निगाहें मस्ताने के लिए ही अपने सारे गाने पेश करते हैं। अब आपको अपना गेसिंग गेम शुरू करना होगा कि मैं कौन सा गीत सुनाने वाली हूँ।
बस यही नहीं, गाना सुनते सुनते आपको ये भी गेस करना पड़ेगा कि इनके साथ गुनगुनाने वाली मोहतरमा कौन होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसे अब तक राज ही रखा है। मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के आ जरा झुक जाना। ओहो निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के आ जरा झुक जाना। ओहो निगाहे मस्ताना, कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने ना दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओहो निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहे मस्ताना, दामन न बचाना मेरे हाथों से, शर्मा के गले से लगाना। जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहे मस्ताना, बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो निगाहे मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहे मस्ताना,
डॉक्टर संजय सलेजा जी, अब जाकर मुझे तसल्ली हुई कि डॉक्टर रश्मि जी ने उनके लिए गाया हुआ आपका ये गीत सोने से पहले सुन ही लिया। वैसे मैं भी तो बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाने में आपके साथ गुनगुनाने वाली गायिका कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। सही पहचाना ना? और श्रोताओं, क्या आपने भी पहचान लिया? पिछले महीने किशोरदा की श्रद्धांजलि के लिए जब मैं तैयारियां कर रही थी, तब उनके निजी जीवन के बहुत सारे आश्चर्यजनक और दिलचस्प बातों का पता चला। उनमें से कुछ अहम बातें और किस्से बीच बीच में आपसे शेयर करती रहूंगी, नहीं तो ये प्रोग्राम अधूरा सा महसूस हो जाएगा। आप में से बहुत सारे किशोरदा के फैंस पहले से ही इन बातों से वाकिफ होंगे। किशोरदा का पैदाशी नाम था अभस कुमार गंगुली। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा तालुक में हुआ था। वहां से मैट्रिक पास होते ही उन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले ली और कॉलेज का पढ़ाई वहीं से किया। किशोर तो बहुत छोटी उम्र से बहुत शरारती और नटखट थे और कॉलेज में भी वो अपने सुंदर गायकी, जो अक्सर केएल सैगल जी के गाने हुआ करते थे, उसके साथ साथ अपने शरारतों के लिए भी बहुत मशहूर थे। कहा जाता है कि कॉलेज के कैंटीन में वो अपने हिसाब के 5 रुपये और उन दिनों के 12 आने चुका नहीं पाए थे, पर उसे उन्होंने कभी नहीं भूला क्योंकि वो हिसाब के बहुत पक्के थे। चाहे वो लेन हो कि देन हो, मुंबई पहुंचकर खूब नामो शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उसी 5 रुपया 12 आने पर एक मशहूर गाना ही रचा दिया। इस दौरान उस कैंटीन वाले भैया का कर्जा भी उतार दिया और 5 रुपये 12 आने के कर्ज के किस्से को अमर भी कर दिया। जैसे किशोर दा केएल सैगल जी के डायहार्ड फैन थे और जैसे उन्होंने केएल सैगल जी के गानों से अपनी गायकी की शुरुआत की थी, वैसे ही एक किशोर दा का डायहार्ड फैन हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ किशोर दा के गीत गाने के शौकीन है। अपने कॉलेज के जमाने से स्टेज पर वो खासकर कलाकार फिल्म का एक गाना बड़ी अदाएं जमा कर गाया करते थे। वो था, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। शायद ऊपर वाले ने उनकी फरियाद सुन ली और उन पर प्यार बरसाकर तरसाने वाली जीवन साथी कुवैत के मारियो नरोनो जी को सिंथिया जी के रूप में मिल ही गई, जो उनकी बेहतरीन आधा हिस्सा है, मतलब बेटर हाफ है ना सिंथिया जी, आप बेटर हाफ हो ना मेरे जी के लिए। अब सुनते हैं मारियो नरोनो जी के बैचलर डेज की मन्नत। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत
जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा नल चाहे कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर, चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरने जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरने जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर, चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर, चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 La 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 la। ये बात शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि किशोरदा रंगमंच के शर्मिले थे। पार्श्व गायकों के संघ के निधि संग्रहण के लिए एक रंगमंच प्रदर्शन में हर एक पार्श्व गायक का हाजिर होना जरूरी था, तो तलत महमूद साहब को किशोरदा को इस शो में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब तलत महमूद जी किशोरदा को ले जाने के लिए उनके घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और किशोरदा फरार हो गए थे। 1970 में सुनील दत्त जी ने लगातार एक साल का परिश्रम करके उन्हें इस रंगमंच के डर से विमुक्त कर दिया था। उसके बाद किशोरदा को स्टेज शोज पर रोकने वाला ही कौन था। रंगमंच पर उनकी नाच गायन कला का बेझिझक प्रदर्शन शुरू हो गया। किशोरदा जब स्टेज पर आते तो पूरी तरह से सक्रिय और जोशीले हो जाते। अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे ही एक साथी जो आपके लिए ला रहे हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म का एक जानदार गीत, जो उस फिल्म में लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया था। इसमें किशोरदा के एनर्जी लेवल्स हाई वोल्टेज की हैं। इस गाने का धमाकेदार पेशकश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ऑस्टिन टेक्सस यूएसए से श्री अपूर्वा शाह जी।
ही आई 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 आ हे खाना हाय रे तो जाना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमा देखा ना हाय रे तो जाना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमा डोले 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 ए ए डोले 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 ए ए डोले 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 ए ए मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ आए रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान कातिल है कौन कहां नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान कातिल है कौन कहां नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान अरे निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा ना हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा ना हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ अरे ओ निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा ना हाय रे तो जाना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान बॉलीवुड के फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को किशोर दा का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा वरदान है उनकी योडलिंग कला उन दिनों के प्रसिद्ध हॉलीवुड के गायक जिमी रॉजर्स से प्रभावित होकर उन्होंने योडलिंग सीखा और उसे अपनी ही शैली में प्रस्तुत करके उसे अपना ही छाप देकर अपना बना लिया इतने साहसी और मन चले थे किशोर दा जो जिंदगी में किसी भी तरह के जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते और इस कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर रह गए हैं आज के प्रोग्राम में
उनके जबरदस्त यॉडलिंग कला को प्रतिबिंबित करने वाले बहुत सारे शानदार और जानदार गाने पेश किए जाएंगे जो अपने आप में मौसम बदलने के काबिल हैं। उनमें से एक यादगार नमूना है न्यू दिल्ली फिल्म का नखरे वाली, जिसमें किशोर दा के गायन और अभिनय कला बिल्कुल जादुई है। इस गाने को किशोर दा के ही धमाकेदार अंदाज में आपके लिए ला रहे हैं लखनऊ के नितिश श्रीवास्तव जी। से समा गई दिल में डिडिलिए डुडुलुओ डिडिलिए डिडिलिए डुडुलुओ डिडिलिए। अपना कुछ अता पता बता तो दे बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। पांचवी क्लास में थे तो एक बार गणित परीक्षा में एक भी उत्तर मालूम नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी पूरी उत्तर पत्रिका पद्य और चुटकुलों से भर दिया था। इतने शरारती थे किशोरदा। एक सफल गायक, संगीत निर्देशक, एक्टर और गीतकार बन जाने के बाद उनका चुलबुलापन और शरारत और भी निखर गया था। एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे किशोरदा, जो किसी भी तरह की भावना को अपने सजीव आवाज में जिंदा कर देते और सुनने वालों के दिलों को छू जाते। किशोरदा के रोमांटिक गानों की पीढ़ी में सागर फिल्म का चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या एक बहुत ही जनप्रिय और जाना माना गीत है। इसे आपके सामने अपने दिलकश अंदाज और आवाज में पेश कर रहे हैं इंडोनेशिया के शाहिद खान जी, और इस गाने में उनके अनोखे अदायगी के पीछे जो प्रेरणा है वो है उनकी बेहद प्यारी और खूबसूरत पत्नी जेनी खान।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गलेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गलेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। किशोरदा के बारे में सोचने लगते हैं तो सबसे पहले हमें उनके गायकी और यॉडलिंग याद आ जाती है, पर किशोरदा इन खूबियों के साथ साथ एक बेहद प्रतिभाशाली एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, गीतकार और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर भी थे। एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर थे किशोरदा। किशोरदा की छवि और शख्सियत सिने पर्दे पर जितनी आकर्षक थी उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी बेहद रोमांचक और फुर्तीला रहा। फिल्म इंडस्ट्री में उन पर काफ़ी सारे लोग फिदा थे ही, और निजी जिंदगी में भी उनकी अदाओं पर मरने वालों की कमी नहीं थी। उनमें से एक थी उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला जी, जो
जो आज तक हिंदी फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेता मानी जाती है। किशोरदा और मधुबाला जी के बहुत सारे फिल्म्स बॉक्स ऑफिस में हिट हुए थे, उनमें से एक फिल्म था झुमरू। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं हूँ झुम 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 झुमरू उन दिनों काफ़ी सारे मशहूर स्टेज शोज में शो ओपनर हुआ करता था। इस मज़ेदार गीत की जानदार पेशकश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मैसूर कर्नाटका से श्री सदाशिव शेनाय जी। Holy didi under the day, holy under the day. मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। है मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। है मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, साथ में हम सफर ना कोई कारवा। है बोला भला सीधा साधा, लेकिन दिल का ऊंचा ज्यादा, है ये मेरी जमी ये मेरा आसमान। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। है मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। होड़ले 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 होड़ले। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। है मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। है मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हड़ली होड़ली हो 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 होड़ी हड़ली होड़ली हो हड़ली 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 होड़ली हो हड़ली होड़ली हो हो हे 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 हड़ली होड़ली हो हड़ली हो हो। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद साहब ऑन स्क्रीन जितने आकर्षक और रूपवान हीरो माने जाते थे, उतने ही आकर्षक साबित हुए थे किशोरदा अपने मस्ती भरी अदायगी और अंदाज के कारण। फिल्म 9-2-11 में एवरग्रीन हीरो देवानंद साहब के लिए एस डी बर्मनदा के संगीत निर्देशन ने
मजरूह सुल्तानपुरी जी की एक बेहद सुंदर रचना को आवाज दिया था किशोरदा ने, जिसके बोल थे, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। इस बात और बर्ताव को अपने सादगी भरी जिंदगी में बिल्कुल अपना लिया था किशोरदा ने। उन्हें चार खूबसूरत पत्नियां नसीब होना उनके मनमोहक शख्सियत की सबूत है। अब सुनिए इस सुंदर गीत को ठाणे महाराष्ट्र से अनिल मेहता जी के दिलकश आवाज में। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। लता दी ने अपने एक संदर्शन में किशोरदा के बारे में बेहद मजेदार किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने ये बताया कि आशा भोसले जी और उन्हें किशोरदा गानों के रिकॉर्डिंग के समय चुटकुले सुना सुना कर इतना हंसा दिया करते थे कि उनकी आवाजें थक जाती। इसी कारण ये दोनों बहनें किशोरदा के साथ साथ गाने के बजाय किशोरदा के आकर रिकॉर्डिंग करके चले जाने के बाद अपने हिस्से का ड्यूएट गा दिया करती थी। कई सालों बाद
लता दी को आपकी कसम फिल्म के लिए रूबरू होकर गाना पड़ा किशोरदा से, और गाना था सुनो कहो, कहा सुना, कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं, अभी तो नहीं। और गाने के रिकॉर्डिंग से पहले ही किशोरदा ने इस गाने से संबंधित इतना मजेदार चुटकुला सुनाकर लता दी को इतना हंसा दिया, क्या कहने। इस तरह के चुलबुलेपन के बावजूद हर किस्म हर मूड के गाने को गाते समय किशोरदा उस गाने की भावना में पूरी तरह से डूब जाते और उस गाने की भावना को अपने दिल दिमाग और रूह में महसूस करके गाने लगते और सुनने वालों को किसी और ही दुनिया में ले जाते किशोरदा। जैसे कल आज और कल के इस रोमांटिक गाने में जिसे आपके सामने ला रहे हैं हमारे एक बेमिसाल गायक प्रशांत मुधोलकर जी गोवा से। से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू मेरी जिंदगानी में है तू ही तू मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू मेरी जिंदगानी में है तू ही तू मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू भवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए पर मिटूंगा ये इकरार है गगन से ही ऊंचा मेरा प्यार है तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है तू इतना समझ ले मेरे हम सफर तेरे प्यार से मेरा संसार है भवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आ आ तेरे लिए तेरे लिए तेरी री 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 मेरे पास एक बहुत ही अहम ध्वनि संदेश आ पहुंचा है जिसे सुनते ही मेरा दिल तेजी से
धक धक करने लगा, मोर जियरा डरने लगा, अरे रे धक धक करने लगा, मोर जियरा डरने लगा। वॉइस मैसेज एक अनामिका की है जिनकी आवाज जाने पहचाने सी लग रही है। बेहद मीठी आवाज, कोयल जैसी बोली, जैसे घुंघरू बज रहे हो, जैसे शब्दों में मिसरी घुली हुई हो। मुझे शक हो रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। पता नहीं क्यों और एक गाना भी याद आ रहा है, भी सुन लीजिए और आवाज पहचानने की कोशिश जरूर कीजिए। भाइयों और बहनों, लखनऊ रेडियो के सिर संगम टीम के सारे सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके प्रोग्राम में उभरते गायकों को रेडियो पर अपने कला प्रदर्शित करने का एक मौका मिल रहा है, ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करती हूँ कि आपके कार्यक्रम को बहुत कामयाबी मिले। नमस्कार, जय हिंद। चौंके साथियों, अगर आप भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रही थी तो आप बिल्कुल सही थे, पर सिर्फ आवाज पहचानने तक। भारत रत्न और गानकों की ललिता दी की मधुर आवाज और मीठे बोल को कौन नहीं पहचान पाएगा, पर यह आवाज थी पुणे के एक जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट श्री विजय कृष्ण इतनाल जी की। ये अब आपको फिर से चौंकाने वाले हैं अपनी अच्छी गायकी से। फूलों की रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरे ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सरगम
धड़कन के बिना सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुमसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। अपने दिलकश गायकी से लाखों के मन छूकर दिलों पर राज करने वाले किशोरदा अक्सर एकाकी रहना पसंद करते थे। बहुत बड़े निसर्ग प्रेमी थे वो, खासकर खुद के उगाए हुए पेड़ पौधों से उनको बहुत लगन हुआ करता था। उनके बगीचे में हर एक पेड़ और पौधे को नाम दे रखा था उन्होंने, और वे उन पेड़ पौधों को अपने दिए हुए नामों से ही संबोधित करके उनसे वार्तालाप करते। इतने सरल स्वभाव के थे किशोरदा, इतनी सरलता और मुग्धता किसका मन छुए बिना रहेगा भला। हर मन को छूकर मंत्र मुग्ध कर देने वाला याराना फिल्म का एक प्रेम गीत सुनिए बेंगलुरु से आशीष कामत जी के मन छूने वाली मधुर आवाज में। क्या इशारा बदला ये मौसम
लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूँ, प्यार से मैं भर दूँ। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूँ, तुझको नजर कर दूँ। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। के ही और एक बेहतरीन गायक श्री संतोष तुसगांवकर जी ने फिल्म मेरे जीवन साथी का एक मशहूर नगमा जो सुपरस्टार राजेश खन्ना जी पर चित्रित हुआ था गाकर भेज दिया है मेरे पास, जिसके बोल हैं, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चले जाने के लिए आपकी बेताबी देखकर एक शेर याद आ गया संतोष जी, हजारों की भीड़ में भी मैं खुद को अकेला पाता हूँ, कि जहां मोहब्बत मिलती है वहीं बस चला जाता हूं। मैं न जानू ऐसा क्या है तुझ में जो हर पल तेरी ओर खींचा चला जाता हूं। तो चलिए संतोष जी, पहले सुन तो ले आपके दिलकश गायकी, उसके बाद आप अगर चाहो तो जरूर चले जाइएगा, पर इस वादे के साथ कि जिसके धुन में आप जा रहे हो वो जब मिल जाए तो उनको भी साथ लेकर अगले महीने के सुरसंगम कार्यक्रम में जरूर हाजिर होंगे आप। वादा पक्का। चला जाता हूं किसी की धुन में धड़कते दिल के
पराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलो मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम कभी भैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए बहारों में नजारों में नजर डालू तो ऐसा लागे मेरी कसम पुनैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल झुकी पलकों में जमा रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए ला 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 la 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 किशोरदा के दिल लुभाने वाली गायकी और अदाकारी उनका सरल स्वभाव और गाने के प्रति उनके समर्पण के बारे में जब प्रस्ताव कर रही हूँ तो एक बेहद दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है। उनकी पत्नी लीना चंदावरकर जी के पिताजी शुरू शुरू में उनकी शादी किशोरदा से करवाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए थे और किशोरदा थोड़ी ही हार मानने वालों में थे। चले गए उनके घर और एक चारपाई बिछाकर अपने ससुर जी के आगे जमीन पर बैठ गए और गाने लगे, गाते ही रह गए और उनके ससुर जी मंत्रमुग्ध होकर खुशी खुशी उनकी शादी के लिए राजी हो गए। किशोरदा के इस हिम्मत की दाद देनी ही पड़ेगी हमको, है ना दोस्तों? वो जो कहते और वो जो गाते वो करके दिखाते। हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे जमाना कहे हमको दीवाना कहे, हम तो मोहब्बत करेगा। ऐसी जादुई गायकी और अदायगी स्क्रीन पर अगर किसी हीरो पर
एकदम फिट बैठती तो वो थे देवानंद साहब। उनके ऑन स्क्रीन वाली नटखट अदायगी बिल्कुल किशोरदा के ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी से मिलती जुलती। इन दोनों अद्भुत कलाकारों की जादुई कला का असर सुनने और देखने को मिलती है ज्वेल थीफ के एक गीत में। इस पर एस डी बर्मंदा के संगीत निर्देशन से 4 चांद लग गए थे। इसको अपनी शौख अदा में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नितिन यादव जी। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो, ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। जब से जमाने हैं बहार के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बहार के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई ना कोई तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना, सीखा हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना, सीखा हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो, ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। '68 में एक मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी जिसका नाम था पड़ोसन, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन दिनों के मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब। किशोरदा ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया था सुनील दज्जी के गुरु की,
उसे करने के लिए किशोरदा पहले राजी नहीं थे, लेकिन महमूद साहब इसी जिद पर अड़े रहे कि इस रोल के लिए उन्हें किशोरदा ही चाहिए। महमूद साहब लगातार एक महीने उनके पीछे लगे रहे, तब जाकर किशोरदा राजी हुए। और उसके बाद हिंदी फिल्म जगत के चरित्र में जो फिल्म बनी वो किशोरदा के बहुमुख प्रतिभा के साक्षी बनकर आज तक मशहूर रह गई। इस फिल्म के जरिए किशोरदा और सुनील दत्त साहब में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। फिल्म रिलीज होने के बाद भी सुनील दत्त जी किशोरदा को गुरु कहकर ही संबोधित करते रहे और किशोरदा सुनील दत्त जी को भोले ही बुलाने लगे थे। इस फिल्म में किशोरदा ने जो भूमिका निभाया था उसमें उनके चाचा जी धनंजय बनर्जी और संगीतकार हेमचंद प्रकाश जी के चरित्रों को मिलाकर किशोरदा ने एक कॉकटेल तैयार करके प्रस्तुत किया था। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट्स रहे। हास्य के परमावधि के लिए अगर एक चतुर नर बड़ी होशियार मशहूर है तो किशोरदा की जादुई आवाज का चमत्कार इसी फिल्म के एक रोमांटिक मेलोडी कहना है आज तुमसे पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 के परमावधि बनकर आज तक सुप्रसिद्ध है। इस प्यार और सुरीलेपन की परमावधि को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे ही एक बेहद सुरीले गायक डॉक्टर शिवराम अय्यर नोएडा दिल्ली से। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम भी तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ
जीवन में मेरे प्यार 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 तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 किशोरदा के दिल फरेब नगमों को सुनते और सुनाते पता ही नहीं चला कि कैसे और कितनी जल्दी ये मस्तानी शाम गुजरती गई। किशोरदा के रोमांटिक और मजेदार नगमों की महफिल हो और उनके दिल लुभावनी और सबके मनपसंद गीत कटी पतंग फिल्म का ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए ना सुने या सुनाए ये नामुमकिन है। तो चलिए इस मस्तानी गीत को सुनते हैं दुबई के एक बेमिसाल गायक श्री इम्तियाज मिर्सा के सुरीले आवाज और दिलकश अंदाज में। मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए तकदीर जैसे कोई खामोश से है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबां लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी
मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दोस्तों, आज की मस्तानी शाम गुजर ही गई। अब शुरू हुई इस सुहानी रात में गहरी नींद में खूबसूरत ख्वाब देखने की घड़ी भी नजदीक आ गई। ख्वाबों की बात हो ही रही है तो देव साहब के एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर की याद ताजा हो गई। फिल्म तीन देविया में देव साहब का सवाल था, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ? उनकी तीन देविया ख्वाब थे या हकीकत, ये मैं नहीं जानती, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारा आज का सुरसंगम कार्यक्रम 100% हकीकत था और कोई ख्वाब नहीं। अब दिल्ली के अनूप रावल जी के मधुर आवाज में ये गीत सुनने के बाद आप सब अपने अपने खुद के ख्वाबों में डूबना शुरू कर सकते हैं। ये लीजिए। कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहार, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पांव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पांव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के,
ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। दोस्तों, किशोरदा के बारे में इतना कुछ कह तो दिया है मैंने, फिर भी कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है? जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह ना सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते कह नहीं पाए वो एहसास थे। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब भी तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, दिसंबर में। कहाँ? यहीं, जहाँ सभी आते जाते होंगे। अच्छा? यहीं, जहाँ सभी आते जाते होंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं। टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। चीरियो। टाटा। शुभ रात्रि, शब खैर।